Okay, so we have some KVPY questions and let's see how can we deal with them. क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 till 98, 99. अच्छा नहीं, 998, 999 यानी 1000 के पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको इन्होंने मिक्स कर दिया, ठीक है। Where the digits are obtained by writing the integers 1 through 999, ठीक है, वो हमें अदरवाइज भी समझ आता है। Wonderful question. The 983rd digit to the right of the decimal point will be. This is your first digit. Fantastic question. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना एप्टीट्यूड एग्जाम्स के जान होते हैं, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना चाहिए, थोड़ा सोचो, राइट। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला काम कम आता है और तुम्हारी ब्रेन, तुम्हारी लॉजिक, तुम्हारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स ज्यादा काम आते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 1 से लेके 20 तक लिखते, ठीक है, 1 से लेके 20 तक लिखते, ऐसे चलता रहता है, ये एक नंबर है, राइट, डेसिमल के बाद कुछ भी चल रहा है, तो लास्ट के जरा 3-4 डिजिट को ऑब्जर्व करके देखो, 18, 19, 20, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, 21, 22 एंड सो ऑन, ठीक है, 23 तक। 1 से लेके 23 तक कोई भी बड़ी चीज आती है ना, पहले उसको समझने के लिए छोटे नंबर्स पे अप्लाई करके देखो और फिर उसी रूल को, जो तुमने रूल यहाँ पे डेवलप करा, उसको वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें आंसर मिलेगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे हमारे पास अगर क्वेश्चन होता कि बताइए कितने डिजिट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं क्या बोलता, अच्छा जी डिजिट्स के बारे में बात कर रहे हो तो बताता हूँ कितने डिजिट्स हैं, तो मुझे समझ में आता कि 9 तक तो 9 डिजिट्स हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, है ना। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि 10 से लेकर के और 23 तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स होंगे, तो यहाँ कितने आ गए टोटल हमारे पास, 14 आ गए, तो 14 2 28, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास आ गए 37। 1 से लेकर के और 23 तक मेरे पास कितने डिजिट्स आ गए, 37, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, वंडरफुल। लेकिन ऐसे कब तक जाएंगे, दिमाग में ये वाली बात भी चलती है ना, आखिर हम ऐसे कब तक जाएंगे। तो देखो मैं तो इसमें ये कहूँगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स होकर के सोचो, तुम डिजिट बाई डिजिट मूव करो, जैसे सिंगल डिजिट नंबर्स, राइट, सिंगल डिजिट नंबर्स कितने हैं, 9, ठीक है। डबल डिजिट नंबर्स, डबल डिजिट्स नंबर, ठीक है, जो डबल डिजिट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 10 से लेकर के 99 तक। कितने नंबर्स हो गए तुम्हारे पास बताओ, 90 नंबर्स हो गए। कितने हो गए, 90। 90 into 2 कितने आ गए भाई, 180 आ गए, यानी 189 तो मेरे पास कितने हो गए, 189 मेरे पास हो गए 1 से लेकर के 99 तक। ये तो खेल बहुत आगे तक चल रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो 1983 तक जाना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि सब 3 डिजिट नंबर्स हैं, सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो कितने बचे हैं बस इस पे ध्यान दूंगा मैं, यानी 1983, 189 कितने बचे हैं, मैं सिर्फ इस पे ध्यान दूंगा। तो 13 में से जब मैंने 9 सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया मेरे पास 4, ओके, और यहाँ पे 17 में से 8 गया तो ये हो गया हमारे पास 9, और 8 में से गया तो 7, ठीक है, मतलब 1794, 1794 नंबर और बचे हैं, और सब 3-3 डिजिट के हैं। मैं ऐसा करूँगा, मैं सोचूंगा कि ज़रा 3-3 डिजिट के अगर मुझे पहुँचने हैं, अगर 1800 नंबर चाहिए होते मुझे, 1800 नंबर, तो 3-3 डिजिट के मुझे कितने चाहिए होते, 600 नंबर चाहिए होते, है ना, 600 into 3 1800 हो जाएंगे, है ना। तो 100 से लेकर के आगे 600 नंबर और इंक्लूडिंग 100, ठीक है, तो मुझे 1800 मिल जाएंगे, 1800 के आसपास ही है ना, मैंने राउंड फिगर में लिया, ठीक है। अच्छा, ये भी अगर सोचूं कि 1800 में से अगर मैं 6 सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो एग्जैक्टली मुझे वही चाहिए 794, और 6 का मतलब क्या है, 2-3 डिजिट नंबर्स, 6 का मतलब क्या है, 2-3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये एक बात तो क्लियर होती है कि हमें 100 में से 2 नंबर कम, यानी 98, है ना, यहाँ से हमें कितने नंबर चाहिए, हमें 600 नंबर में इतने मिल जाएंगे, है ना। तो हमें यहाँ से 100 इंक्लूडिंग 100 हमें कहाँ तक पहुँचना है, 598 टर्म तक पहुंचना है, 598 टर्म तक पहुंचना है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, सही जा रहे हो। जरा सोच के देखो, अब बताओ मुझे यहाँ से 598 नंबर जब मैं ऐड करना शुरू करूंगा तो मेरे पास लास्ट जो 598 नंबर होगा क्या वो 597 नहीं होगा? राइट, इसका आंसर देखना प्रत्यांश, मेरे ख्याल से 7 होना चाहिए। पहले आंसर देख के बताओ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। क्या आंसर है? 7 है, गुड। एग्जैक्ट हमने नंबर भी निकाल लिया, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपके पास पूरा पूरा नंबर ही आ गया, पूरी इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ ही निकल के आ गई। देखो, अगर तुम्हें पहले ये बताओ समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करो? आ गया सर। सर वो 6 तो 3 के बाद वो 598 वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। हाँ देखो, इसकी अप्रोच, अब ये सब क्वेश्चन ना किसी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, राइट, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले देखा अच्छा डिजिट्स चल रहे हैं, ओके दीज आर डिजिट्स, एक नंबर है और उसी में सारे नंबर्स को ऐड करके एक नंबर बनाया गया है। तो मैंने देखा भाई सिंगल डिजिट वाले कितने हैं, डबल डिजिट वाले कितने हैं, उसके बाद जितने सब ट्रिपल डिजिट है। अच्छी बात क्या है, तो मैंने देखा अच्छा ठीक है 189 और 1983 जाना है, मतलब हमें 1794 अभी और चाहिए। तो मैंने ये देखा अच्छा मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सब 3 डिजिट के हैं, तो ऐसे अगर 1800 होते तो कितने नंबर चाहिए होते? 600 नंबर चाहिए होते, इसमें से 6 कम चाहिए, मतलब 2 नंबर कम चाहिए, यानी 598 नंबर चाहिए इंक्लूडिंग 100। समझ रहे हो? अगर इंक्लूडिंग 100 तुम्हें 2 नंबर चाहिए तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें? 100 और 101 मिलेगा। ठीक है, तुम्हें क्या क्या मिलेगा? 100 और 101 मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें इंक्लूडिंग 100 3 नंबर चाहिए तो 100, 101, 102 मिलेगा। तो समझने की बात है, तुम इसमें 3 ऐड कर रहे हो तो तुम 2 पे पहुंच रहे हो, जब तुम 598 ऐड करोगे तो कहाँ पे पहुंचोगे? 697। मैंने यहाँ गलत लिखा है, कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग? 697 तक पहुंचेंगे। ठीक है, बिकॉज 100 के बाद आप 598 टर्म देखेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग 100। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? 697 होगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? 697 है ना। मैंने यहाँ पे हालांकि लास्ट डिजिट सही लिखा था, लेकिन जो नंबर होना चाहिए था वो 597 नहीं, कितना होना चाहिए था? 697 होना चाहिए था। एंड दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी व्हाट? 7। चेक करके देखो, अगर पूरा इन्होंने नंबर भी लिखा है तो दैट शुड बी 697। सिर्फ आंसर है या कंप्लीट सोल्यूशन है? नंबर भी दे रखा है 597 दे रखा है। क्या दे रखा है? 597। 597 तो नहीं होना चाहिए, 100 से हमें ये 697 होना चाहिए। बेटा ये वही गलती कर रहे हैं जो मैंने अभी की थी। ठीक है, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से 597 टर्म आगे, तो 100 के आगे 597 टर्म कौन सा होगा? 697 होगा। ठीक है, हाँ इट शुड बी 697। अगर लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे पूछे जाते हैं तो हम बोलते हैं 697, इट वोंट बी 597। ओके, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज सडनली अ गुड क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस टू सॉल्व विद दैट। द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 3, 5 are arranged in 5 columns, continuing with the pattern shown on the right, counting from the left. Right counting from the left column. Oh, oh, amazing question. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बात है यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आओ तुम, वेरी गुड। बताना है ये हमें कि 1985 हमारा कहाँ पे आएगा, राइट? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 है ना। ये कुछ ऐसी काउंटिंग चल रही है। ठीक है, ऐसे उंगलियों पे ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं इसको, तो है ना। ये देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब काउंटिंग ऐसे चल रही है, राइट? इट गोज लाइक दिस। ओके, 4 नंबर्स इन अ रो, एक बार में 4 नंबर्स इन्होंने ऐड किया। ठीक है, पहले इधर गए, फिर वापस आए, फिर ऐसे गए। ठीक है, इन सारे नंबर्स में, ये सब ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। तुम अगर कभी आईएएस का पेपर देखोगे या फिर कभी कैट का पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें वहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे। कैट में आईएएस पेपर को बोलते हैं सीसैट, राइट? एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चन, इनको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ें आपके पास केवीपीवाई, ओलंपियाड्स, इन सब जगह पे यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वेरी गुड क्वेश्चन। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ 1985 हमारे पास कहाँ पे आएगा, राइट? शोन ऑन द राइट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, राइट? क्या बोल रहे हैं ये? राइट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड द कॉलम इन विच 1985 अपीयर्स इज वेयर। ठीक है, राइट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि अगर हम इधर से इधर को काउंट कर रहे हैं तो बताओ किस पोजीशन पे 1985 आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, I hope you understand the question first of all. The first thing is to understand the question. Okay. अब यहाँ पे ना कुछ पैटर्न चलेगा हमेशा, राइट? तुम देखो 15, 31, 47, अच्छा जी बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि साइक्लिसिटी है। आप अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, फिर ऐसा ही पैटर्न नीचे फिर रिपीट हो रहा है एंड सिमिलरली ऐसा ही पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है 1985 तक हम काउंट करने तो नहीं जा रहे, तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट्स वर्क करना है, हमें पैटर्न को स्टडी करना है, समझना है कि वो कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, अच्छा भाई इसमें 8 नंबर हर बार ऐड हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं 8 से कुछ इसका कुछ ना कुछ तो काम चल रहा होगा। जैसे मैं अगर सोचता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं इस पोजिशन पे, ध्यान से देखो इस पोजिशन पे, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है। इसको डिवाइड करूंगा 8 से तो 7, इसको डिवाइड करूंगा तो फिर से 7, फिर से, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। यानी अगर 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आ रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन। सिमिलरली अब जरा इसको देखता हूँ, 8 से डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो 5, 1, 5, ओहो कुछ तो चल रहा है। हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 1 या 5, फैंटास्टिक। फिर से देखें जरा, यहाँ पे 8 से डिवाइड किया 3, 3, 3, अरे वाह, यानी यहाँ पे तो रिमाइंडर सिर्फ 3 आ रहा है। बात को समझने का कोशिश करना, ठीक है, बहुत ध्यान से हर चीज को ऑब्जर्व करना है तुम्हें। यहाँ पे देखा मैंने 5, 9, अच्छा रिमाइंडर कितना आ गया 5, 1 है ना, 5, 1, 5, 1, यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 5, 1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है यार। यहाँ पे तो पता नहीं लगा क्या होगा, है ना, कोई बात नहीं, रिलैक्स। यहाँ सोचते हैं 7, फिर से 7 आएगा, 16 से 7 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, मतलब यहाँ पे 7, ओके। तो एक बात तो पता लग गई कि अगर रिमाइंडर हमारे पास 7 आएगा तो आंसर मेरे पास या तो फर्स्ट होगा या फिर 5th होगा। अगर रिमाइंडर 1 या 5 आएगा तो फिर या तो 2nd होगा या फिर 4th होगा, और अगर रिमाइंडर मेरा 3 आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 3rd हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो जरा ये सोचता हूँ, या बल्कि कैलकुलेट करता हूँ कि 1985 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। मैं सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू फोकस ऑन द क्वोशिएंट, ओके। सो 32 and this is what, this is 65 है ना, 65 कुछ तो नहीं कर रहे, 38 से 32, 65, I think it is correct। So 65 से जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है वो तो 1 आ रहा है। 1 का मतलब है या तो 2nd या फिर 4th, लेकिन हमारे पास ये दोनों के दोनों ही अवेलेबल हैं ऑप्शंस। इसका ये मतलब है थोड़ा और सोचने की जरूरत है, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 8 क्यों लिया था, ऐसी चीज आपके माइंड में चल रही होगी। मैंने इसलिए लिया था बिकॉज हर पैटर्न में 8 नंबर्स ऐड होते जा रहे थे, इसलिए मैंने 8 लिया था, ठीक है। एक बात तो तय है कि आंसर इसका 1st और 3rd कभी नहीं हो सकता, इसका आंसर या तो 2nd है या 4th है। थोड़ा सोचते हैं, लेट्स थिंक अ बिट मोर बिकॉज वी आर नॉट इन अ कंक्लूसिव स्टेट ऑफ माइंड। यस वी आर वेरी श्योर द चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट इज 50% नाउ, बट वी वांट टू मेक इट 200%। तो चलो थोड़ा और सोचते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा और सोचते हैं, नो वरीज। ऐसे क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आता है जिसमें कोई फॉर्मूला लग रहे हो, सिर्फ दिमाग लग रहा हो, ठीक है, ओके। सो 2nd या 4th, कुछ और पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा। 1, 5, अच्छा, इसमें पहले 1 आता है फिर 5 आता है, और इसमें पहले 5 आता है फिर 1 आता है, 5, 1, 5, 1, अच्छा। 1985 हमने देखा रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1, ओके। ये नहीं पता लग रहा कि ये पहले वाला 1 है कि बाद वाला 1 है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें ना एक ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक ऐड करेंगे, मतलब अगर मैं इसमें ऑड नंबर्स हैं एक ऐड करूंगा, है ना, तो 1985 में अगर मैं नेक्स्ट ऑड नंबर देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1987 आएगा। अरे वाह काम ही हो गया। तो 1987 में जब हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर ऐड किया, राइट, नेक्स्ट नंबर ऐड किया, और इसको अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 3। आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर, द आंसर हैज टू बी 2nd। बताओ भाई आंसर क्या है। सेकेंड, राइट। तुम्हें समझ में आया कि मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? क्या सारी बातें समझ में आई? मैंने इसमें 8 से क्यों डिवाइड किया, ये बात तुम्हें समझ में आई? yes. और जब 1 और 5 दोनों हमारे पास दोनों जगह पे थे तो फिर मैंने सेकंड ही क्यों बोला, ये बात समझ में आई? नेक्स्ट करने पे 3 आया, अगर 7 आता, yes, absolutely correct। अगर नेक्स्ट करने पे मेरे पास 7 आता तो मैं फोर्थ बोलता, नेक्स्ट करने पे 3 आया। तो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट। इसमें कहीं से भी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यस कोई फॉर्मूला बता दो और उससे हो जाएगा। ये प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो वेरी गुड, इस तरह क्वेश्चंस करते रहिए, डिस्कस करते रहिए। मुझे बड़ा मजा आता है, आप पीजी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो। एनीथिंग एल्स?